दोस्तों काफी सारे लोगों ने कमेंट करा था कि F70 वर्सेस A550 में कंपैरिजन ला दो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है कि आपको यानी कि व्यूअर को कौन से मॉडल परचेस करने चाहिए। तो दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सभी को मैं ये बताऊंगा कि आपने कौन से मॉडल बाय करने चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहना। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि यार अगर आपको मीवी F70 चाहिए वो भी बाकी से कम कीमतों पे, तो आप मुझे मेल कर सकते हो एंड आई विल सेंड इट, जो कि डिलीवरी कॉस्ट फ्री होगा एंड आपके डोर स्टेप पे मैं डिलीवर कर दूंगा। तो दोस्तों आपको मैं तकरीबन 200-300 तक ऑफ कर दूंगा। तो आप मुझे DM करो या फिर मेल करो अकॉर्डिंगली एंड आपको मैं वो आइटम को डिलीवर कर दूंगा। बस दोस्तों इसके लिए कंडीशन ये रहेगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करने हैं, क्योंकि मैं जब एप्लीकेशन पे चेक करूंगा तो बकायदा आपका नाम उसमें शो होने चाहिए एंड जब आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब उसके लिए ज़रूर से कर लो। बाकी बॉक्स को देखो यार, बॉक्स में नो डिफरेंस, आपको जो पैटर्न जो मेथड मिलेगा एक्चुअली सेम मिलेगा, जो कलरिंग मिलेगा वो भी एक्चुअली सेम मिलेगा, बाकी दोनों में जो स्पेक्स है वो भी स्लाइटली सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो कि आप इजीली देख सकते हो। वहीं अगर कलर की बात करूँ तो यार मुझे पर्सनली ब्लैक पसंद है, बट ये जो स्काई ब्लू है F70 का वो भी लिटरली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी दोस्तों अगर हाईलाइट की बात करें तो आपको दोनों में HD स्टीरियो साउंड देखने को मिलेगा एंड दोस्तों साथ ही साथ आपको 50 आवर्स की प्लेबैक। एंड दोस्तों सबसे बड़ी हाईलाइट अगर मैं F70 की बात करूं तो उसमें आपको मैट फिनिश देखने को मिलेगा एंड दोस्तों अगर वहीं A550 की बात करूं तो आपको उसमें ग्लोसी साइन देखने को मिलेगा, जो कि दोनों ही मॉडल अपने में काफ़ी ज़्यादा ख़ास है। अगर वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो आपको दोनों में बर्ड्स प्लास्टिक की देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है एंड एकदम स्मूथ है, कैरी करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। एंड दोस्तों अगर मैं दोनों की ड्राइवर साइजेस की बात कर लूँ तो एक्चुअली दोनों के जो साइजेस हैं वो एकदम सिमिलर है, बट अगर मैं F70 की बात करूँ तो आपको इसमें 12mm की ड्राइवर देखने को मिलेगी, वहीं अगर मैं A550 की बात करूँ तो आपको इसमें 13mm की ड्राइवर देखने को मिलेगी। हालांकि मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, ये रियल है दोस्तों, कि अगर Amazon पे आप A550 के स्पेक्स देखोगे तो उस पर आपको 13mm का ड्राइवर देखने को मिलेगा, बट अगर आप मीवी के ऑफिशियल साइट पे देखोगे तो आपको उसमें 12mm का ड्राइवर देखने को मिलेगा। हालांकि ये चीज़ मुझे एक व्यूअर ने ही बताया, तो आप बताओ कि ये क्या ही सीन है। बाकी दोस्तों दोनों का कलर देखो, दोनों की फिनिशिंग टच देखो, लिटरली मीवी जो ये इनिशिएटिव लिया है वो बाकायदा तारीफ की लायक है। बाकी मुझे काफ़ी पसंद पड़ा, आप कमेंट में बताओ कि ये कैसा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर डाल लो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर से कर लो एंड कमेंट में बताओ कि आपको ये दोनों का कंपेरिजन कैसा है लगा एंड आपने कौन से मॉडल को बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हो। दोस्तों अगर दोनों की लुक बिल्ड की बात करूँ तो लुक दोस्तों दोनों ही बेस्ट है अपने आप में। अगर वहीं मैं बिल्ड की बात करूं तो दोस्तों बाहर से जो फाइबर की क्वालिटी है, जो प्लास्टिक की क्वालिटी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं बर्ड्स की क्वालिटी की बात कर रहा हूं तो यार वो भी बढ़िया हैं, दोनों ही आपको प्लास्टिक में देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं, हालांकि मैं इसे आगे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ हाईलाइट स्पेक्स बता दूं, आपको दोनों में ही स्वेट प्रूफ डस्ट प्रूफ देखने को मिल जाएगा, जो कि यस IPX4 एंड 5 की डिफरेंसेस देखने को मिलेंगी। एंड दोस्तों दोनों में HD साउंड, साथ ही साथ 50 आर्स की प्लेबैक। एंड दोस्तों आपको एक्स्ट्रा इसमें रबर पीस देखने को मिल जाएगा, जो कि यस बॉक्सेस में रखी पड़ी है, आपको मैं क्या ही दिखाऊं। बट दोस्तों मैं इसे क्विक वीडियो बनाने वाला हूं, ज़्यादा लंबा एंड लेंदी नहीं करूंगा जिससे आप कंफ्यूज्ड एंड बोर हो जाओ।
तो डोंट वरी, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहो, क्योंकि लास्ट में मैं एक हाईलाइट बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको सही में लगेगा कि ये ब्रांड कॉफ़ी बेस्ट वर्क कर रही है। हालांकि दोस्तों आप सभी को कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि दोनों ही मॉडल में IPX4 का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको किसी भी साइट पे नहीं जाना, आपको बस इस बॉक्स को चेक करना है, उसी में आपको ये डिटेल देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों दोनों में ही 4 यानी कि क्वाड माइक सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि यस काफ़ी बेहतर वर्क करती है। एंड अगर गेमर्स के लिए मैं लेटेंसी की बात कर लूँ, तो यार इसमें एज सच कोई मेंशन लेटेंसी मोड नहीं देखने को मिलेगा, बट यस जो गेम लेटेंसी है वो आपको ठीक ठाक मिलेगा, जो कि अप्रॉक्स 80 ms की लेटेंसी देखने को मिल जाएगी, जो कि यस क्वाइट गुड है। बाकी दोस्तों दोनों में ही साउंड क्वालिटी की बात कर लूँ, तो दोनों के जो बेस हैं वो लिटरली सेम है, बट दोस्तों अगर मैं स्लाइटली डिफरेंस की बात करूँ तो आपको A550 में थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि एज सच बिल्कुल भी नॉर्मल लोग उसे देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। जब कंपैरिजन किया जाएगा तभी ये चीज़ समझ में आएगा। तो इसके रिगार्डिंग आप कंफ्यूज मत होना कि दोनों में साउंड डिफरेंस होगा, दोनों के जो वॉल्यूम होंगे वो एकदम सेम होंगे। एंड आप अगर 100 वॉल्यूम पे भी म्यूज़िक को सुनोगे तो आपको थोड़ी भी डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ी भी आवाज़ नहीं फटेंगी, यानी कि साउंड क्वालिटी ठीक होगा। वहीं अगर मैं बेस की बात कर लूँ तो दोनों ही मॉडल में बेस लगभग सेम देखने को मिल जाएगी, यानी कि बैलेंस्ड बेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सर्च कर रहे हो कि आपको एक्स्ट्रा बेस चाहिए, तो ये मॉडल आपके लिए परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो यार अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ, जो कि हाइयर वोकल की बात करूँ, मिडिल एंड जो लोअर की बात करूँ, तो दोनों तीनों टोन से आपको एकदम परफेक्ट एंड मिक्स बैलेंस देखने को मिलेगा, जो कि यस जो एक स्वीट सा म्यूज़िक आप फील कर पाओगे। तो म्यूज़िक मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगी। एंड दोस्तों म्यूज़िक के रिगार्डिंग आपको कोई भी कंसर्न देखने को नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ इसके लिए बेफिक्र रहो, तो म्यूज़िक आपको बेस्ट फील देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों दोनों ही मॉडल में आपको ANC का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो यस दोनों ही मॉडल बेस्ट है, आपको थोड़ा भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बस प्राइस की डिफरेंस है एंड हल्का सा साउंड वॉल्यूम की डिफरेंस है। बाकी जो क्वालिटी जो है म्यूज़िक का जो एक्सपीरियंस होगा वो बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई कंसर्न हो तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।